रोहतक की लोकसभा का सवाल है, ये केवल एक लोकसभा का एमपी बनाने का सवाल नहीं है। हरियाणा में लोकसभा के जो एमपी बनेंगे वो फैसला करेंगे 3 महीने के बाद हरियाणा के चुनाव हैं, हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, सारे हरियाणा में घूमा हुए 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने, उदय बांधी ने सारा बताया, कांग्रेस पार्टी ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया, न्याय पत्र तैयार किया, जिसमें अलग अलग वर्गों के लिए रखा है, जैसे बेरोजगारों के लिए अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए साल का, बुजुर्ग महिला के लिए 1 लाख रुपए साल का, मनरेगा की मजदूरी कम से कम 400 रुपए, और किसान का एमएसपी की गारंटी और कर्जा माफ की बात कही। ये कहा तो भाई, ये तो सारी बात बता दी, ये जो है पत्र आपके पास पहुंच जाएगा, घर घर तक पहुंचाना भी है। लेकिन मैंने जैसे कहा, अकेला लोकसभा का नहीं है, ये हरियाणा में सरकार बनाने का भी है। और हमने कहा कि हरियाणा में सरकार बनी तो भाई हम क्या करेंगे, 5-4 मोटी मोटी बात बता दूं, क्योंकि मेरे मन में टीस है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश पर, पूरे देश में, आज 10 साल में इन्होंने कहां पहुंचा दिया, हम किस चीज में नंबर 1 है पूरे देश में, हम हैं बेरोजगारी में, हम हैं महंगाई में, और भाई अपराध में। और खेल और खिलाड़ियों को देख लिया, हमारी बहन बेटियों की जो पहलवान बेटी है, जो कितना सम्मान लेकर आई थी, क्या उनसे सलूक किया, सड़कों पे बैठना पड़ा। तो ये तकलीफ है मेरे को, इस प्रदेश को बर्बादी की ओर ले गए। तो भैया लेकिन हमारे आप यहाँ से जिता के भेजोगे और लोकसभा में, तो उसके बाद हरियाणा में सरकार बनी तो हम क्या करेंगे, 4-5 बात कह रहा हूँ आपको। एक तो भाई बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, और 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, 500 रुपए का 100 गज के प्लॉट जो इन्होंने बंद कर दिए, हमने 4 लाख प्लॉट देने, एक दिया हो तो बता दो, गांव का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो, वो फिर देंगे, वो उनको देंगे। और भाई आज जो मैंने कहा बेरोजगारी में नंबर 1 है, 2 लाख पक्की नौकरी हरियाणा में खाली है और 30 लाख केंद्र में खाली है। भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख नौकरी देंगे पक्की। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, इस प्रकार मोटी मोटी बातें हैं, ये आप जो हम कहते हैं वो करते हैं भाई। लेकिन आज मैं एक ही बात कहने आया हूं, चुनाव है और यहां से दीपेंद्र लड़ रहे हैं, मैं तो भाई इसको आपके हवाले करने आया हूं, जिताओ हराओ तब जानो, तुम लड़ोगे ये चुनाव, तुमने लड़ना है, तुम लड़ोगे इसका चुनाव। मेरी छुट्टी, मैं सारे हरियाणा में जाऊंगा, क्योंकि भाई मेरा मन है कि एक बार और इन तक टक्कर ले लूं। हाथ खड़े कर दो, दीपेंद्र का मार्जिन सबसे ज्यादा होना चाहिए। और भाई देखो, सरकार बनानी है तो लोकसभा में कांग्रेस को जिताओ, और यहाँ पे 2 उम्मीदवार आए हैं, ये 2 उम्मीदवार जो है ना, दीपेंद्र और सतपाल ब्रह्मचारी, दोनों को भारी बहुमत से जिता के भेजो। तुम सोनीपत में भी जाओ, इधर भी जाओ, और इतनी देर आप बैठे हो भाई, मेरे को यह बात जचगी कि ना तुम खाएंगे काबू के, ना मैं खाएंगे काबू के।